हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्राइस स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज सराफा बाजार में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। और इसी के साथ में आज की कुछ काम की बड़ी खबरें आम आदमी को लेकर निकल कर आ रही है, तो सभी खबरों को हम फटाफट से जान लेते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की पहली खबर है, एक साल तक रिन्यू नहीं करवाया ड्राइविंग लाइसेंस तो देना होगा वापस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। अगर आप भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल पहले एक्सपायर हो गया और अब तक आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपको वापस टेस्ट देना होगा। जी हाँ, पहले ये टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए अनिवार्य होता था जिन्होंने 5 साल से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है, लेकिन नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इस अवधि को कम करके मात्र 1 साल कर दिया गया है। यानी कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर ही आपको वापस रिन्यू करवाना होगा। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको वापस टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए तो अगली खबर है, मोदी सरकार दे रही है शानदार तोहफा, 1 दिसंबर तक यहाँ से फ्री में लगवाए फास्टैग, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2019 के बाद वाहनों पर लगने वाले फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। अगर आप अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाते हैं तो आपको टोल प्लाजा पर 2 गुना टैक्स भरना पड़ेगा। देश में जिन लोगों ने अभी तक अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगवाया उनके लिए सरकार बड़ी खुशखबरी दे रही है। मोदी सरकार फ्री में फास्टैग लगवाने का मौका दे रही है। वैसे तो गाड़ी पर फास्टैग लगवाने के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन 1 दिसंबर 2019 तक सरकार ने सभी जगह पर फास्टैग को फ्री कर दिया है। यानी कि आप फ्री में फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगवा सकते हैं। और फिलहाल ये सेवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की जो टोल प्लाजा है वहाँ पर दी जा रही है। तो ऐसे में यदि आपने अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया तो किसी भी टोल प्लाजा पर जाकर आप फ्री में फास्टैग लगवा सकते हैं। चलिए तो अगली खबर है, 1 जनवरी 2020 से बदलेगा सोने की ज्वेलरी खरीदने का नियम, महंगे हो सकते हैं गहने। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सोने के गहने खरीदने का विचार कर रहे हैं तो नए साल में नए नियमों के लागू होने पर आपको शुद्ध सोना मिलेगा। सरकार गोल्ड के ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने वाली है। सोने की खपत करने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मात्र 40% गहनों के ऊपर ही गोल्ड की हॉलमार्किंग की जाती है। तो सरकार इसको पूरी तरह से अनिवार्य करने वाली है, जिसके बाद ज्वेलर सोने की हॉलमार्किंग के बिना के गहने नहीं बेच पाएंगे। चलिए तो अगली खबर है, सस्ते में एसी फ्रिज खरीदने का मौका, 1 जनवरी से 6,000 रुपए तक बढ़ सकता है दाम, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एयर कंडीशनर एसी या रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि नए साल यानी कि 1 जनवरी 2020 से एसी रेफ्रिजरेटर की कीमत में 6,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। दरअसल नया एनर्जी लेवलिंग नॉर्म अगले साल जनवरी से लागू होने वाला है, जिसके बाद से 5-स्टार रेफ्रिजरेटर बनाना 6,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। और नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनियों को 5-स्टार फ्रिज एसी में जो कूलिंग के लिए पारंपरिक फॉर्म की जगह पर वैक्यूम पैनल को लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कीमत में 6,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए तो अगली खबर है, सरकार दे रही है पैसे कमाने का मौका, बस करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, सरकार आपको पैसे कमाने का मौका दे रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है। अगर आपको सड़कों पर अवैध जगह पर यानी कि नो पार्किंग वाली गलत जगह पर गाड़ी पार्क की हुई दिख जाती है तो आप इसका फोटो पाड़कर सरकार को भेज सकते हैं। इसके बदले में आपको इंसेंटिव के तौर पर कुछ रकम दी जाएगी। हालांकि सबसे पहले अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए इस योजना को दिल्ली में शुरू किया जा रहा है, लेकिन जल्दी दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। चलिए तो अगली खबर है, डीजे पर लगा बैन, कार्यक्रम से पहले लेनी होगी परमिशन, शादी विवाह वालों में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शादी विवाह हो या फिर कोई अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, तेज आवाज वाले डीजे की वजह से रोगियों को और बुजुर्ग व्यक्तियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में राजस्थान के जयपुर में सरकार ने डीजे पर पाबंदी लगा दी है। जयपुर के जिला कलेक्टर के मुताबिक डीजे बजाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन के बिना डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चलिए तो अगली खबर है, अमित शाह का बड़ा ऐलान, अयोध्या में आसमान छूने वाला राम मंदिर का होगा निर्माण। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए सबसे बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा मंदिर कहलाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की बनाने की तैयारियां पूरी जोरों से चल रही है। अयोध्या में जो विवादित स्थल है वहां पर ही भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जाने वाला है। चलिए तो अगली खबर है, खुशखबरी, इस राज्य में शादी पर दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी सरकार। जी हां दोस्तों, शादियों के समय में दुल्हन को तोहफा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है, जिसका नाम है अरुंधति स्वर्ण योजना। अगर दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होती है और दुल्हन ने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई की हो तो सरकार की ओर से 10 ग्राम यानी कि 30,000 रुपए के करीब का सोना दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना को असम सरकार ने लागू किया है, तो असम के निवासियों को इसका फायदा मिलेगा। दुल्हन को शादी के बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य होगा, तभी सरकार के द्वारा ये मदद दी जाएगी। चलिए तो बात करें 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,715 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 29,720 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 37,150 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,71,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात की जाए 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,835 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 30,680 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,300
₹350 और 100 ग्राम के अनुसार 383,500 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। चलिए तो बात करेंगे भारत के बड़े शहरों में गोल्ड प्राइस की, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जवाब नीचे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक करना है। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और वे जीत सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस दी गई है। वही बात करें चांदी के भाव की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का ताजा भाव 45,900 पर चल रहा है। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।